आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मसले पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंधुगण, आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी की कल ईडी ने गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है, सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि अभी 3-4 दिन पहले पंजाब में सुखविंदर सिंह कैरा, जो पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं, ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया जाता है, पुराना केस था, केस चल रहा था, गिरफ्तारी होती है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांग्रेस, जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। बंधुगण, आखिरकार ये शराब घोटाला क्या है और ये जो गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह जी की, ये क्यों हुई है? आप सभी जानते हैं 2022 में शराब घोटाले को लेकर, ये जो लिकर स्कैम हुआ था दिल्ली के अंदर, इस शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक केस दर्ज किया था। क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और जहां भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय, अर्थात जिसको अंग्रेजी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कहते हैं, वह भी केस दर्ज करता है। और चूंकि यहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी इसलिए ईडी ने भी केस दर्ज किया। कई लोग इसमें जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, कुछ अधिकारी भी इसमें जेल में गए हैं, और कुछ व्यवसायी जो इस पूरे प्रक्रिया में, घोटाले में जुड़े हुए थे, वो भी जेल में गए। आप सभी जानते हैं कि कुछ व्यवसायी जो जेल में गए थे, कुछ बिजनेसमैन जो जेल में गए थे एक्साइज स्कैम में, शराब घोटाले में, उनमें से एक दिनेश अरोड़ा थे। आगे चलकर दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं गवाही दूंगा, मैं अप्रूवर बनूंगा। वो अप्रूवर बने, और जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बने तो जिस प्रकार की बातों को उन्होंने सामने रखा वो आज पब्लिक डोमेन में है। मैं जो भी कह रहा हूं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो किसी और ने मुझे बताया है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। दैट दिनेश अरोड़ा टर्न्ड इनटू एन अप्रूवर। एक बार अप्रूवर बनने के पश्चात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों की खुलासा की। किन बातों की खुलासा दिनेश अरोड़ा ने किया? दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर है उसने कहा 2020 में संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को, और संजय सिंह जी ने मुलाकात की दिनेश अरोड़ा के साथ। दिनेश अरोड़ा जो बिजनेसमैन है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में, उनको संजय सिंह जी ने 2020 में फोन करके कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है, आप रेस्टोरेंट और बार वालों से बात करो और ये पैसा इकट्ठे करने का काम करो। और आप देखिए किस प्रकार से इस बात को लेकर, पैसा इकट्ठा करने का काम दिनेश अरोड़ा ने पूरे दिल्ली में बिजनेसमैन और बार के जो सदस्य थे उनको लेकर, उन्होंने रेस्टोरेंट और बार के जो लोग थे उनको लेकर एक मोटा माल इकट्ठा दिनेश अरोड़ा ने किया।
और केवल संजय सिंह ही इन्वॉल्व हो ऐसी बात नहीं है, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से भी मिलवाया और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हवाले दिनेश अरोड़ा ने किया। बदले में क्या मिला, बदले में दिनेश अरोड़ा को क्या मिला, जिसको अंग्रेजी में क्विड प्रो को कहते हैं, आप अगर चार्जशीट पढ़ेंगे तो दिनेश अरोड़ा खुद स्वीकार करते हैं कि उनका कोई मामला एक्साइज डिपार्टमेंट में फंसा हुआ था, सम ऑफ हिज इश्यूज वर स्टक इन द एक्साइज डिपार्टमेंट, और बदले में दिनेश अरोड़ा ने कहा मैंने मोटा माल इकट्ठा किया है, ये पैसा मैंने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दिया है संजय सिंह के कहने पर, तो मुझे इस एक्साइज के केस से निकाला जाए, मुझे इस एक्साइज के काम में मदद की जाए। मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह के कहने पर एक्साइज के केस में मदद करते हुए दिनेश अरोड़ा को मदद दिया। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से एक क्विड प्रो को का मामला बनाया गया, किस प्रकार से इस विषय को एक दूसरे के लिए मदद की गई। बंधुगण, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी, जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में चार जगह लेखांकित किया था। द ईडी हैड पुट द नेम ऑफ संजय सिंह एट फोर प्लेसेस, जिसमें से तीन जगह सही था, एक जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि तीन जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। आपके सामने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये झूठ बोल रहे थे कि ईडी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। ये शराब नीति आखिरकार क्या है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मगर कल मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला, अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है। आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है, तो उसके घर से टूटी बकेट जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। एज फार एज द इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट हैव बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम द हाउस इन द प्रमाइसेस ऑफ संजय सिंह इज कंसर्न, एज फार एज मीडिया सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, दे से दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू इंक्रीमेंट, दीज आर गोइंग टू इनफैक्ट ये फंसाएगी, ये किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएगी जो आम आदमी पार्टी के चेन में बहुत बड़ा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है,
यह आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, यह डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारण था असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती, पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था, उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततो गत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है। इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। मुझे याद है जहां तक ये शराब घोटाला है, 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति, न्यू एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार ने बनाया था, और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू किया गया था। 17 नवंबर 2021, उस समय खुद अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पूरे विश्व में इस प्रकार की शराब नीति कहीं नहीं होगी, राजस्व आगे बढ़ेगा, हम माला माल हो जाएंगे। पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि बोतलें तो ज्यादा बिकी, पैसा कम आया। ऐसा आप बताइए दुनिया में कहीं आपने सुना है? शराब की बोतल ज्यादा बिके और पैसा और राजस्व कम आए, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, यह पहली बार पूरे विश्व में ऐसा हुआ। बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सवाल बार बार पूछे थे, आज दोबारा ये सवाल शराब नीति को लेकर, संजय सिंह को लेकर, मनीष सिसोदिया को लेकर मैं दोबारा पूछता हूं, क्योंकि संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए। आपने पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली में, और क्यों किया ऐसे कि कानूनी सलाह के बावजूद आपको एक्साइज डिपार्टमेंट ने कानूनी सलाह दिया था कि आप अपने पुराने शराब नीति को मत बदलिए, उसके बावजूद आपने पुराने शराब नीति को बदला, क्या कारण था आपने बदला? क्या कारण था कि मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल देना यह गैर कानूनी है, मगर आपने मैन्युफैक्चरर के हाथ में रिटेल दिया? क्या कानून था कि पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में ऐसा हुआ कि पहले शराब पे कमीशन 6% का होता, 2% का होता था, माफ कीजिएगा, पहले 2% का कमीशन होता था, उसे बढ़ा करके 12% का कमीशन किया गया, और उसमें से राउंड ट्रिपिंग करके 6% आम आदमी पार्टी के ट्रेजरी में जाती थी, आम आदमी पार्टी कमाती थी। आप बताइए 2% से 12% बढ़ाने का काम शराब नीति में, कमीशन बढ़ाने का काम कारोबारियों का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, ताकि ये पैसा आम आदमी तक पहुंचे, इसके पीछे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह थे। इसलिए बेधड़क कानून अपना काम करेगी, और जो लोग जनता के पैसा को शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रहे थे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या कारण था कि 145 करोड़ रुपया ये शराब कारोबारियों का माफ किया गया, वह भी बिना किसी कैबिनेट के नोट के, बिना कैबिनेट के मंजूरी के 145 करोड़ रुपए शराब कारोबारियों का माफ किया गया? किसने इजाजत दी? अगर संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया इसमें रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या कानून उनको छोड़ देगी, या कानून का हाथ इनके गिरेबान तक पहुंचना चाहिए? एयरपोर्ट जोन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने शराब के ठेके खोलने को मना कर दिया, उसके बाद 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट जोन के जो लाइसेंस होल्डर थे शराब की दुकानों के, उनको आपने वापस कर दिया, जबकि ये पैसा जब्त होना चाहिए था। ये 30 करोड़ रुपए जनता का आपने वापस क्यों किया अपने मित्रों को? इसका जवाब संजय सिंह दे। संजय सिंह जी से हम यह भी पूछना चाहते हैं कि आप बताइए आखिर क्या कारण था कि बिना किसी ठीक ठाक तरीके से रिसर्च किए हुए जिस शराब नीति को आप लेकर आए थे, अंततो गत्वा आपको यह शराब नीति वापस लेनी पड़ी। क्यों वापस लेनी पड़ी ये शराब नीति?
अगर ये एक्साइज पॉलिसी ठीक थी तो इसे वापस लेनी क्यों पड़ी? आप यहां वहां की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मगर आप काम की बात कोई नहीं करते। आज आप बताइए, अगर आपने काम की बात की होती, कोर्ट में जाकर आपने सही आंकड़े रखे होते, तो आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया क्या आज तक जेल के अंदर होते? आप बताइए, आप तो कहते हैं कि मैं मनीष सिसोदिया जी को विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री मानता था, मेरे करीबी मित्र हैं। जब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए थे तो आप उनके घर चले गए थे, जैसे आज संजय सिंह के घर गए हैं। आप इनके घर चले गए, सब कुछ आपने किया, मगर कोर्ट में आपके पास अगर तथ्य होता तो पेश करते, तो आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बाहर होते बेल पे, कोर्ट के अंदर नहीं होते, कोर्ट के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते। जब भी कोई आम आदमी पार्टी से चाहे राशन कार्ड बनाने के लिए पकड़ा गया हो, चाहे फर्जी डिग्री के लिए पकड़ा गया हो, चाहे भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो, हमेशा उन मंत्रियों के साथ अरविंद केजरीवाल पहले तो खड़े होते हैं, उसके बाद टाइम टाइम फिस हो जाता है, उसके बाद वो एक दिन नजर नहीं आते हैं। संजय सिंह जी के साथ भी यही होने वाला है, संजय सिंह जी के साथ भी यही होने वाला है। औपचारिकता निभा दी, उनके घर पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब मुड़ के देखने वाले नहीं है। और याद करिए, कल अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे पीएम बौखला गए, प्राइम मिनिस्टर डर गए। अरे संजय सिंह जी, ये शेर आया ये हर दिन नहीं चलता है कहानी। जब गुजरात के चुनाव थे, गुजरात के चुनाव के समय मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई थी, आप ही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई 6% वोट बढ़ जाएगा, आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बना रही है, इसलिए मोदी जी डर गए। जमानत जब्त हुई आपकी, एक सीट नहीं जीत पाए आप वहां पर, और आज फिर से वही डायलॉग, डर गए, बौखला गए। अरविंद जी, हम डरे नहीं, हम बौखलाते नहीं, हमने कमर कसा है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। और आप जैसे लोग जिन्होंने पन्ने निकाले थे कि ये देश के सबसे भ्रष्ट नेता है, जिनमें लालू प्रसाद यादव का भी नाम था, जिनमें सोनिया गांधी का भी नाम था, जिनमें राहुल गांधी का भी नाम था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम था, आज गलबहिए करते फिर रहे हैं उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी। आपके ही शब्द थे कि ये देश के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उनके साथ आज घमंडिया अलायंस आप बना रहे हैं, डरे घमंडिया अलायंस। आपने चोरी की है, आपने भ्रष्टाचार किया है, तो डरना तो पड़ेगा, क्योंकि जनता की पैसा कोई लूट लेगा ये नहीं हो सकता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी आप ये भूल गए, मगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी आपको याद दिलाती है, ना खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने खाया है उससे निकलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, आप नेशनल पॉलिटिक्स में उड़ीसा रिप्रेजेंट करते हो, आप नेशनल इशू में किसी बुलाते हो, यहाँ पे हाल ही इसी में सीएजी ने रिपोर्ट दिया जहाँ पे सस्पेक्टेड करप्शन हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना बोले या स्टूडेंट स्कॉलरशिप बोले, तो इसपे आपका क्या? उस पर भी पीसी बुलाएंगे यथाशीघ्र। नहीं, एक पीसी का सिस्टम होता है ना, हम लोग उस पर पीसी रखेंगे, पीसी में आएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।